ब्लड डोनेट करने से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें, वरना आज के समय में ब्लड डोनेट करना कई कारणों से जरूरी हो गया है। ऐसा करके आप दूसरों की मदद तो करते ही है, साथ ही आपको भी इसके बहुत फायदे होते हैं। वक्त आने पर जब कभी आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो यह आपकी जरूरत भी पूरा करता है। कई लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने के 21 दिन बाद यह दोबारा बन जाता है। आइए जानते हैं ब्लड डोनेट करते समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ब्लड डोनेट करते समय ध्यान में रखना चाहिए वह यह कि आप रक्त दान करने के योग्य हैं भी या नहीं। अगर आप रक्त दान करने का सोच रहे हैं तो एक दिन पहले से स्मोक करना बंद कर दें। इसके अलावा रक्तदान करने के 3 घंटे बाद ही धूम्रपान करें। रक्तदान करने के बाद हर 3 घंटे में हैवी डाइट लें। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना ही लें। आप चाहे तो फल खा सकते हैं। रक्तदान करने के बाद अगर आप हेल्दी डाइट न लेकर तरल पदार्थ लेते रहेंगे तो इससे आपको कमजोरी महसूस होगी। एक बार में किसी के शरीर से भी 471 ml से ज्यादा रक्त नहीं लिया जा सकता। लोगों को गलत फहमी होती है कि रक्तदान करने से ही हीमोग्लोबिन में कमी आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हेल्दी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। बात करें पुरुष की तो वे 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकते हैं, वहीं महिलाएं 4 माह में एक बार ब्लड डोनेट कर सकती हैं।